नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पावर ट्रक 437 डीजल सरप्लस ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये ट्रैक्टर लोड मैक्स मॉडल में आता है। इस ट्रैक्टर के दो वेरिएंट आते हैं, लोड मैक्स सुपर मैक्स। दोस्तों लोड मैक्स मॉडल, इस मॉडल में आपको सादा स्टीयरिंग मिलेगा। ट्रैक्टर सादा स्टीयरिंग साथ में आता है। इसके ये फ्रंट टायर हैं 616 के हैं। इसका फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और दोस्तों इसका ये डिग्गी चूल्हा है, देख सकते हैं आप लोग कितना हैवी है। और दोस्तों ये इसका 30 लीटर इंजन है डीजल सरप्लस। दोस्तों इस ट्रैक्टर का डीजल खर्च बहुत ही कम है। और दोस्तों इसमें आपको माइक्रोबॉस इनलाइन का पंप मिलता है जिसको मेंटेनेंस स्पीड रखने के लिए बाटा सेपरेटर दिया हुआ है। डीजल सरप्लस लिख के नहीं दिया है दोस्तों। इस ट्रैक्टर का डीजल खर्च वास्तव में बहुत कम है और ये कंपनी का सेक्शन इससे पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 500 स्पीड मिलती है। लोड मैक्स इसका मॉडल है। और दोस्तों ये इसका लॉक है, यहाँ से ये खुल जाएगा बोनट। इसमें आपको हैलोजन लाइट मिलती है हाइरस कंपनी की। और ये कंपनी फिट इसका बम्पर है 80 kg प्लस का। और दोस्तों ये स्कॉट का लोगो है, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। पावर ट्रक लिखा हुआ है सामने से। और इसमें आपको 4-stage ऑयल बाद वाला क्लीनर मिलता है जो खुल जाएगा आसानी से। खोल के भी देख सकता हूँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप लोग कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये ट्रैक्टर खरीदना है तो ये लिखा हुआ है बोर्ड गोविंद ट्रैक्टर्स पीलीभीत। आपको यहाँ पर सभी ट्रैक्टर मिल जाएंगे पावर ट्रक के। ये ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं सब में आपको सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग मिलता है। और दोस्तों ये इसका 15 वाट का अल्टरनेटर है। और इसका पावर स्टीयरिंग का पंप और हाइड्रोलिक का पंप अलग अलग है। ये इसका रेजिस्टर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको ऑयल मस्ट ब्रेक मिलते हैं, हाई लिफ्ट कैपेसिटी है। और डुअल क्विच ट्रैक्टर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। और ये इसका बैटरी बॉक्स के पास में मिलता है और इसका सेल्फ है दोस्तों। ये इसका चढ़ने का सिस्टम है, इसमें भी आपको ऊँचे पदार्थ मिलते हैं। चढ़ने का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। ये पकड़ने के लिए फेंडर है, इसे पकड़ के आसानी से चल सकते हैं दोस्तों आप। और दोस्तों इस ट्रैक्टर का ये फ्यूल टैंक है, इसमें आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और दोस्तों ये ट्रैक्टर 8+2 कॉन्स्टेंट मैस गेयरबॉक्स के साथ में आता है। और इसका ये टूल बॉक्स है, फाइबर का टूल बॉक्स है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और इसका ये स्टीयरिंग थोड़ा भरा लग रहा है मुझे। और ये इसका RPM मीटर है, काफ़ी खूबसूरत मीटर दिया हुआ है कंपनी में दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ये ट्रैक्टर 1800 रेटेड RPM पे है, नहीं दोस्तों ये ट्रैक्टर 2200 रेटेड RPM पे ट्रैक्टर है। और दोस्तों ये इसका पार्किंग बटन है, जल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों अच्छा ट्रैक्टर है। और दोस्तों ये इसका अप डाउन का लीवर है, इसमें आपको OIB ब्रेक मिलते हैं दोस्तों। ये ट्रैक्टर सेंटर शिफ्ट गियर के साथ में आता है। 8+2 इसका ये लो हाई है, देख सकते हैं आप लोग। इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में भी आपको मोबाइल चार्ज करने का सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ से ये मोबाइल चार्ज करने का सिस्टम है। और दोस्तों स्कॉट कंपनी के सभी ट्रैक्टर में आपको केयर सेवा मिलती है। इससे क्या होता है, अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपका कोई रजिस्टर्ड नंबर होगा, उस पर कोई दिक्कत होती है तो आप बटन दबा सकते हैं और कॉल कंपनी से सीधी आएगी, आपका समाधान होगा। इसमें आपको 540 स्पीड मिलती है, लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग 540। और ये ट्रांसपोर्ट लॉक है, इसकी सीट एडजस्टेबल नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी सीट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसके बैटर 13-28 के, ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी 1600 kg है। और इसमें भी आपको 3 होल मिलते हैं। और इसका ये हिच है, आप देख सकते हैं इसमें कितने होल दिए हुए हैं, तो आप जैसे ज़रूरत है आप वैसे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसमें ट्रॉली के लिए दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ये रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे आप नंबर फिट कर सकते हैं अपने नंबर प्लेट लगा के। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। और ये कंपनी का इंस्ट्रक्शन ऐसे पढ़ सकते हैं आप लोग आसानी से। पावर ट्रक 437 डीजल सरप्लस प्लस ट्रैक्टर दोस्तों, इस ट्रैक्टर का डीजल खर्च वास्तव में बहुत कम है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। गोविंद ट्रैक्टर्स पीलीभीत, यहाँ पे आप ये ट्रैक्टर खरीद सकते हैं दोस्तों, अगर आसपास के हैं पीलीभीत के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।